हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और अभी रिलीज़ हुई है एक न्यू मूवी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। और नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है। और देखने के बाद एक मतलब ये समझ में आता है एक तरह से कि पॉलिटिक्स किस हद तक जा सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हम आज इस पर कुछ ओपिनियन लेते हैं एक दो लोगों का जिन्होंने मूवी देखी हुई है। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी जिसकी सराहना मोदी जी ने भी की थी, तो आज हम उस पर बात करते हैं। अभी मैं मेडिकल पे हूँ और मैंने इनको ही पकड़ लिया। भैया वैसे तो कैनेडा वाले मॉडल से बहुत दिनों के बाद बात मुलाकात हो रही है, मुझे नहीं पता था ये डॉक्टर हैं, पर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। आप देख कर आए द कश्मीर फाइल्स जी, तो कैसी लगी मूवी आपको? बड़ी अच्छी, जरा जोर से बोलिए। बहुत अच्छी। अच्छा हाँ, एक मिनट, आप हमें ये बताइए मूवी देखने के बाद आप क्या फील कर रहे थे, एजुकेटेड या मोटिवेटेड? हम दोनों फील कर रहे थे, एजुकेटेड भी मोटिवेटेड भी। एजुकेटेड इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि जो चीज़ें हमें पता नहीं थी उस चीज़ की हमें एजुकेशन मिली है, और मोटिवेटेड इसलिए फील कर रहे थे कि हमें एजुकेशन मिल गई, अब मोटिवेटेड है। हाँ, स्मार्ट आंसर दिया ना बंदे ने, पता लगता है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि जिस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिली है इस मूवी में, आपको क्या लगता है कैनेडा में होता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स है वहाँ पे, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, पर आम बंदे को पता नहीं लगती पॉलिटिक्स। पता लगती है हाई लेवल के बंदों को, बिजनेसमैन को जो करप्शन करते हैं, पॉलिटिक्स उनको पता लगती है। अच्छा तो आपको, आपने कभी आइडिया लगाया होगा या फिर कभी सोचा होगा, हालांकि इंडिया के बारे में तो नहीं सोचा होगा, पर फिर भी आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी भी हो सकती है इंडिया में जो मूवी में दिखाई गई है उस अकॉर्डिंग? कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर मूवी देखने के बाद पता लग गया कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ कुल मिलाकर ये मूवी कांग्रेस के मुँह पर एक बड़ा थप्पड़ है, सच है। कोई बात नहीं, मॉडल आपसे मिलते हैं फिर दोबारा, अभी देखते हैं आगे कौन मिल रहा है हमें। मतलब सेकंड पर्सन से बात करते हैं। आहा, कैसे हैं भैया आप? हाय, बढ़िया। क्या नाम है आपका? ऋषभ। आपने मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख कर आए द कश्मीर फाइल्स? जी बिल्कुल। कैसी लगी आपको? बहुत अल्टीमेट मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इवन की वो स्टोरी नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड मूवी है जो कि हिंदूज पे जो अत्याचार हुए हैं कश्मीर में, तो उसके ऊपर बेस मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है। किसके रेफरेंस से देख रहे हैं आप? एक्चुअली रेफरेंस मेरे कुछ एक खास फ्रेंड्स देखने गए थे पहले, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए थे, तो बेस्ड ऑन देयर रिव्यूज़ बहुत अच्छी मूवी उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, उनके रिकमेंडेशन पे देख के आया। तो वो मूवी एक रियल स्टोरी है इसलिए अच्छी लगी या फिर कुछ खास है जिसकी वजह से अच्छी लगी आपको? नहीं, उसमें मतलब बेसिकली वो रियलिटी पे बेस्ड है, एंड जो आजकल हम मूवीज़ देखते हैं तो उन मूवीज़ में बड़ा कुछ फालतू का दिखाया होता है जो कोई रियलिटी से मतलब इन टच नहीं होता, बिल्कुल ही अलग ही एक दुनिया होती, बट ये सारा एक रियलिटी बेस्ड था। और जो लोगों के ऊपर जेनोसाइड हुआ है, जो हिंदूज के ऊपर जेनोसाइड हुआ और खासकर जो पंडितों के ऊपर जेनोसाइड हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए वो मूवी अच्छी लगी। अभी मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा था पर मैं भूल गया। आप भूलते तो... बड़ा हो आप, बादाम रोगन खाया करो। बादाम रोगन, हाँ आपके पास होगा, देखा, मतलब इसके बोलते हैं मार्केटिंग, बैठे बैठे कुछ भी पेल दो, है ना। चलिए कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू। और शायद